महान छत्रपति शिवाजी की धरती छत्रपति संभाजी नगर में आज आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। छत्रपति संभाजी की यह धरती ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है और विश्व के पर्यटन स्थल के रूप में भी इसकी अपनी एक पहचान है। उद्योग जगत में हो, पर्यटन के अंदर हो, शिक्षा नगरी के रूप में हो, हेल्थ सेक्टर के अंदर हो, लगातार ये छत्रपति संभाजी नगर अपनी प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं यहाँ के लोगों की है, मुझे आशा है जब किसी शहर की जनता की आकांक्षाएं होती है, अपेक्षाएं होती है, तो उनको पूरा करने के लिए भी जनप्रतिनिधि व्यापक प्रयास करते हैं। हमारे बीच में यहां पर विराजे रेल राज्य मंत्री, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता श्री राव साहब दानवे जी, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, देश के वित्त राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर भगवत किराड़ जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री श्री अतुल सावे जी, लोकसभा में हमारे साथी सांसद इम्तियाज जलील जी, हरिभाव बांगड़े जी, प्रसाद बम जी, संजय केनकर जी और यहाँ पर आए शहर के सभी सम्मानित नागरिकों, माता बहनों, आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत लंबे समय से मेरा इस क्षेत्र के अंदर आने का कार्यक्रम बन रहा था। लोकसभा में हमारे सांसद सुजाव वी के पाटिल लूनी के मेडिकल कॉलेज के लिए लगातार मुझसे एक साल से प्रयास कर रहे थे। मुझे सीडी बाबा के भी दर्शन करने थे और विशेष रूप से जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने भगवत किराड़ जी से कहा कि मैं इस क्षेत्र की उन संभ्रांत व्यक्तियों से ही मिलना चाहता हूँ जो इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। साथियों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं, हमारा लोकतंत्र प्राचीनतम लोकतंत्र है और इसीलिए हमारे जीवन की कार्यप्रणाली में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में हमेशा लोकतंत्र रहा है। लोकतंत्र हमारी विरासत है और आजादी के बाद भारत में लोकतंत्र की कौन सी पद्धति अपनाई जाए, इस पर बड़ा विचार विमर्श हुआ। लेकिन हमारे महान विचारकों ने उस समय संसदीय लोकतंत्र को अपनाया
और आज दुनिया के अंदर शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति संसदीय लोकतंत्र है। दुनिया के उन तमाम देशों के अंदर जहां लोकतंत्र नहीं है, वहां भी वो शासन चलाने की पद्धति में लोकतंत्र लाना चाहते हैं। और इसीलिए आज दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी गई है। हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर बहुत विकास किया। 1947 से लेकर के 75 साल की हम यात्रा को देखें तो इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने हर क्षेत्र के अंदर प्रगति की है, लेकिन अब समय और तेजी से चलना है और बदलाव की ओर होना है। अब दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया के देश भारत की ओर केवल लोकतंत्र के कारण तो है सही, लेकिन जो आर्थिक प्रगति हो रही है, जो हर क्षेत्र के अंदर नया परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण आज आर्थिक डेस्टिनेशन के रूप के अंदर भारत सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है ये दुनिया मानती है। और आज हमें गर्व है कि इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका नया इनोवेशन, नई रिसर्च के कारण आज दुनिया के अंदर उस विकसित देश के अंदर भी भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। हर प्रोफेशनल के अंदर आप देख लें, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, IITian हो, IIT हो, हर सेक्टर के अंदर उस देश के अंदर प्रगति के अंदर अगर किसी का योगदान है तो भारत के नौजवानों का है। और इसीलिए एक समय लगता था हमें, जब हम चर्चा करते थे कि हमारी आबादी तेजी से बढ़ रही है और कई आबादी हमारे विकास के अवरोधक न बन जाए, लेकिन समय परिवर्तन हुआ है। आज दुनिया के अंदर हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन आज मानव संसाधन के रूप में भी हमारे युवाओं की बौद्धिक और श्रेष्ठता के कारण आने वाले समय में हम नेतृत्व करेंगे तो भारत के नौजवानों के कारण करेंगे। आप देखिए आज देश की जनता की अपेक्षाएं बढ़ी है, आकांक्षा बढ़ी है। मैं जिस क्षेत्र में जाता हूं वहां की जनता की मांगे बढ़ी है। ये मांगे बढ़ने का मतलब है कि शासन से अपेक्षा बनी है कि ये शासन कुछ कर सकता है, ये अपेक्षा जनता की बनी है। और इसीलिए आज आप कोई सा भी सेक्टर देख लीजिए, आज हर सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं बहुत तेजी से प्रगति हो रही है। और इस तेजी से प्रगति में हमारा भी इतना ही कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हमारे सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बने। आज यहां का बजाज का ऑटो देश के अधिकांश देशों के अंदर चलता है, यह हमारी ताकत है। यहां औरंगाबाद संभाजीनगर का बना हुआ माइक्रो स्मॉल मीडियम के जो इक्विपमेंट संसाधन है वो दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। महाराष्ट्र वो प्रदेश है जो भारत की आर्थिक राजधानी है, जहां अलग अलग जिलों के अंदर चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो,
पर्यटन का क्षेत्र हो, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर के अंदर महाराष्ट्र की प्रगति बढ़ रही हो, और महाराष्ट्र की प्रगति बढ़ रही है तो देश की प्रगति बढ़ रही है। अभी दानवे साहब रेल कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, आज भारत में रेल कनेक्टिविटी की डिमांड बढ़ी है और साफ से बजट बढ़ा है। आने वाले समय के अंदर जिस गति से रेल में काम चल रहा है, हम भारत के अधिकांश इलाकों के अंदर रेल कनेक्टिविटी से जोड़ देंगे और एक बेहतर ट्रेन चलाकर, और आने वाले समय में हम जो माल गोडाउन है उनको मैकेजम माल गोडाउन बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट जो रोड से होता था उसको ट्रेन से लॉजिस्टिक के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं। अब सरकार एक एक दिशा की ओर काम कर रही है। सरकार का मानना है कि अगर हमें सस्ता क्वालिटी का माल और कंपटीशन का माल कंपीट करना है तो लॉजिस्टिक की रेट कम करनी पड़ेगी, तो लॉजिस्टिक पर काम हो रहा है। किस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचे, किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन हो, इसकी ओर काम कर रहे हैं। आज आप चले जाए मेडिकल केयर की ओर, दुनिया के अधिकतम देश जो भारत के नजदीक हैं वो भारत की मेडिकल की विशिष्टता के कारण, मैं दुबई में गया तो वहां के लोगों ने कहा हम इलाज कराने बॉम्बे आते हैं। जितनी भी अरब कंट्रीज में मैं गया, लोगों ने कहा कि भारत के डॉक्टर बेहतरीन है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है, भारत की दवाएं सस्ती है। आप देखिए कि इस संभाजी नगर से बनने वाली दवाइयां कितने देशों के अंदर एक्सपोर्ट होती है, और आने वाले समय के अंदर हमारी क्वालिटी और सस्ती दवाओं के कारण हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं दवाइयों के। तो मेडिकल के अंदर यह है, आज आईटी के अंदर हमारे रिसर्च, हमारे इनोवेशन, आज हालत क्या है। किसी जमाने में कुछ गिने चुने स्टार्टअप हुआ करते थे, आज भारत के अंदर 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं, और वो स्टार्टअप भारत में नहीं उन दुनिया की सारी चुनौतियों का समाधान दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय में व्यक्ति की जिंदगी सुलभ हो और उसको जो सेवाएं हैं वो आसानी से मिले। और इसीलिए स्टार्टअप की दुनिया कितनी तेजी से बढ़ रही है। अभी हम तीसरे नंबर पे हैं, एक समय आएगा जब हमारे नौजवानों के कारण स्टार्टअप में नंबर एक होंगे। कोई सेक्टर नहीं है, हमने 5G के अंदर डेटा, सबसे सस्ता डेटा भारत का है। हम टेक्नोलॉजी के अंदर गांव तक पहुंच रहे हैं, आने वाले समय के अंदर गांव के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप होगा, एग्रीकल्चर की नई तकनीकी से उत्पादन बढ़ेगा। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर के अंदर नए परिवर्तन नहीं हो रहे हों। हम कोई समय था जब कई आइटम जो मैं गिना नहीं सकता हम इंपोर्ट करते थे, चाहे डिफेंस का सेक्टर ले लो, चाहे मोबाइल का ले लो, इलेक्ट्रॉनिक का सेक्टर ले लो, कितने सेक्टर थे। आज हालत है कि भारत डिफेंस के अंदर जो 90% इंपोर्ट करता था, आज 60% एक्सपोर्ट करने की ताकत भारत में बनी है। तो भारत की ताकत सामर्थ्य बढ़ता जा रहा है, ये सबके सामूहिक प्रयासों से है। हमारी सामूहिकता के मिलकर काम करने की संस्कृति, हमारी मानवीय संवेदनाएं, एक दूसरे के आपदा के समय मदद करना, ये हमारी ताकत है। और इसीलिए भारत में लोकतंत्र पनपा है, लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, क्योंकि हम मानवीय संवेदना के साथ काम करते हैं,
चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी हम परिवर्तन कर लें, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ मानवीय संवेदना भी भारत में है। और हम भौतिक साधनों के से नहीं, हम आध्यात्मिक और व्यवहारिक साधनों से दुनिया के अंदर नई दिशा बनाना चाहते हैं। ये भारत की ताकत है। आज मुझे खुशी है कि आपके नौजवानों, चाहे नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, हर मन में व्यक्ति की अपेक्षा है कि मेरा शहर दुनिया से सबसे आगे शहर बने। और इसके लिए आप नई नई योजनाएं बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, प्रयास करते हैं। और जब सामूहिकता से इसी तरीके से प्रयास आते हैं तो एक दिन बेहतर परिणाम भी आएंगे। जब अपेक्षाएं होगी, आकांक्षा होगी, सपने देखेंगे, तो सपनों को पूरा करने के लिए लक्ष्यों से काम भी करेंगे और एक बेहतर परिणाम आएंगे। आप सभी को आज यहाँ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्यार स्नेह से आपने मुझे आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से मैं फिर आपके इस नगर में आऊँगा। और जो बातें आपने कही, ऐसे तो मेरा काम सुनने का है सब लोगों का, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जो विषय आपने ध्यान में डाले हैं उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।